मंगलवार को वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने सहस्त्रवादी का पहला बजट पेश किया। बजट में 6% विकास दर हासिल करने की बात कही गई है। इसके लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं। डीएपी और यूरिया पर सब्सिडी में 7% और 15% की कटौती की। सरकार ने भविष्य निधि पर मिलने वाला ब्याज 12% से घटाकर 11% कर दिया है। लेकिन सरकार ने ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा को पूरी तरजीह दी है। रक्षा बजट में 13,000 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड वृद्धि की गई। आयकर अदा करने वालों को राशन की चीनी से वंचित कर दिया गया तो गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वालों के लिए राशन का अनाज दुगना कर दिया गया। हालांकि अनाज के दाम भी बढ़ाए गए लेकिन मात्रा बढ़ाकर उसकी भरपाई कर दी गई। कंप्यूटर और सेलुलर फोन को सस्ता करके सूचना उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया। कुल मिलाकर बजट उतना कठोर नहीं है जितना सरकार ने संकेत दिया था, लेकिन बढ़ता हुआ राज्य कोषीय घाटा चिंता का विषय है।